इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खेत को पानी देना होगा देना होगा देना होगा, लाइन रोक कर नौजवानों को रोजगार देना होगा देना होगा देना होगा। किसान को प्रवेश बनाना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, किसान को प्रवेश बनाना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम लोग जिकपानी प्रखंड स्तर का ये हमारे जिला परिषद चुनाव जीतने के बाद पहला बैठक हुआ, और पिछले 5 महीना जेल में रहने के बाद एक हम लोग जिकपानी प्रखंड कमेटी का गठन किए हैं, और इस गठन के माध्यम से हम लोग जिस उम्मीद से पंचायत चुनाव में जीत हासिल किए हैं, जनता का विश्वास पर हम लोग को खरा उतरने के लिए एक कमेटी गठन किए हैं, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष से लेकर के पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। और हम पूरा उम्मीद के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो विश्वास जनता ने वोट दे करके हम लोगों को दिया है, वो उस पर हम लोग खड़े उतरेंगे। और हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से सरकार आदिवासियों के साथ, आदिवासी सरकार बनने के बाद जो है आदिवासियों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। निंदा इसलिए करते हैं कि आज जेएमएम सरकार, जिस आदिवासी का विश्वास पर वोट लेकर के आदिवासी का सरकार बनाने का, आदिवासी का काम करने का जो दावा करता है, पूरी तरह से खोखला है। इसलिए हम खोखला कहना चाहेंगे, क्योंकि आदिवासी सरकार बनने के बाद भी आदिवासी का कहीं पर भी सुरक्षा का गारंटी नहीं है। और आदिवासी का जहां तक विकास का बात है, विकास से कोसों दूर है आदिवासी, क्योंकि झारखंड बनने का 22 साल बाद भी आज हेमंत सरकार में भी पलायन जो है का स्थिति गंभीर बना हुआ है। जिस पलायन में हमारे छोटे छोटे जो बहनें हैं, हमारे जो है नौजवान हैं, आज यहां से पलायन करके अपने गांव को छोड़ने का मजबूर हो गए हैं। या जो हेमंत सरकार है, या हेमंत सरकार आदिवासी विकास को लेकर के पूरी तरह से फेल है। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि गांव-गांव में पीने का समस्या को लेकर के गंभीर स्थिति बना हुआ है। बिजली जो है आज तक गांव में नहीं पहुंचा है। आज भी पेशा कानून और समता जजमेंट जैसा जो संवैधानिक कानून है, झारखंड में लागू नहीं होना या 5वां अनुसूची का पूरी तरह से उल्लंघन है। ऐसी स्थिति पर हमारा जो संगठन है लगातार 5वां अनुसूची के सवाल पर, मजदूरों के सवाल पर, किसानों के सवाल पर आंदोलन कर रहा है और आगे भी आंदोलन करेगा। लेकिन जो हेमंत सरकार पर जिस तरह से हम लोगों ने भरोसा किया था, यहाँ के आदिवासियों ने भरोसा किया था, वो भरोसा जो है पूरी तरह से आदिवासियों के बीच में टूट चुका है। इसलिए एक विकल्प के तौर पर अब आदिवासियों को सोचना होगा। और जो हमारा कुल्हान है, हमारा पश्चिमी सिंहभूम है, जो पूरे भारत देश को सबसे ज्यादा राजस्व देता है, वहाँ के लोग क्यों भूख और गरीबी पर जिंदगी जीने को विवश है, यह आवाज भविष्य में उठेगा। मैं जॉन मिरर मुंडा, अखिल भारतीय क्रांतिकारी आदिवासी महासभा, सह झारखंड जनरल कामगार यूनियन और वर्तमान जिकपानी जिला परिषद सदस्य, सबको जोहार, धन्यवाद।